सैकड़ों से ऊपर है, सवा सौ करोड़ इकट्ठे हैं जो पहले इधर उधर के दिखाए गए। जब इस पर सारे भाइयों ने पता करके था, अभी हम मिले ये खाद डी ए पी का, ये उसमें देखा निश्चय कटर में कार्रवाई अभी सलाह कर रहे हैं सारे भाई, वो तो उम्र में खाद की जरूरत नहीं है भाई, भाई पर फायर यूज कराओ, इसका लखन सर्द कराओ। ये प्रशासन ने भी देख लेंगे कितने चल रहा है, हमारी मेरे में लागा इसी में अभी इसको बचाओ। प्रशासन से अनुरोध है भाई जल्दी से जल्दी डी ए पी खाद मुहैया करवाया जाए, वरना ये गाड़ा बाजारी लूट बाजारी 1200 की जगह 1700-1700 के साथ दूसरी दवाइयों के डब्बे भी लगाए जाते हैं। किसान बिल्कुल, अगर किसान खत्म हो गया नहीं देश खत्म हो जाएगा। देखिए हम जहाँ जहाँ भी पता चलता है किसान साथी के साथ हैं, आते रहते हैं, सलाह में काफ़ी प्यार हैं, जो जैसे भी सलाह करेंगे उनके साथ हैं, अब अफेयर तो आएंगे दसों सर तो आएंगे, जैसे भी सारे किसान साथी प्यार हैं। हमें जेजेपी अलोपा और स्वयं हुड्डा साहब चारों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, इसके विपरीत चौधरी अमय सिंह चौटाला की जीत ऐतिहासिक जीत है, किसान की जीत है, व्यापारी की जीत है। और आने वाला जो समय है इंडिया नेशनल लोकदल मजबूत होकर के उभरेगी और हरियाणा प्रदेश को एक अच्छी सरकार देगी। आज इलाहाबाद में उपचुनाव में चौधरी अमय सिंह चौटाला ने तमाम पार्टियों के गठबंधन जो कांग्रेस बीजेपी जसपा सब ने इकट्ठे मिलकर जोर लगाने के बावजूद भी, हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज की है, उसकी खुशी में आज हम टोहाना के सभी कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। जोश भी आएगा और पूरे हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन आएगा, जो ये किसानों की जीत हुई है, पूरे किसान कौम की पूरी जीत हुई है इसमें। हाँ ये किसानों का आशीर्वाद होते हैं, जो जीत हुई है किसानों की जीत हुई है, और अकेले के से विधायक थे जिन्होंने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया था और दोबारा फिर किसानों ने ही उन्हीं को दोबारा उम्मीदवार बना के दोबारा विधानसभा में भेजने का काम किया। जैसा कि जो 30 तारीख को चुनाव हुआ था उपचुनाव प्रदेश में, सभी व्यापारियों ने, सभी किसानों ने, सभी मजदूरों ने मिलकर के चौधरी अमय सिंह चौटाला के नेतृत्व में मतदान किया और ये एक ऐतिहासिक जीत है। सारे इलाके को, सारे प्रदेशवासियों को इस जीत की हम लोग सब मिलकर के लख लख बधाई देते हैं और आगे से भविष्य में कामना भी करते हैं कि इस जैसा नेता प्रदेश में मुख्यमंत्री के काबिलियत के तौर पर भी हम देखने के लिए उत्साहित हैं। और जो ये जीत हुई है, ये सबकी जीत है।